वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, तो आज उसकी शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं उसको, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप इससे आपकी अच्छी रिविजन हो जाएगी। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है, आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको कवर कर दूंगा। सेकेंडली, इसको इसमें जो भी न्यूमेरिक फॉर्मूले आपको आज करवाऊंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से किसी को भी दिक्कत है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिवीजन का, किसी भी पेपर के रिवीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके फॉर्मूलास। तो आज के फॉर्मूले शुरुआत करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा जो पहली चीज है वो देखेंगे हम कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ देखते हैं, कूलम्स लॉ में क्या है। कूलम्स लॉ में है कि एफ फॉर्म फोर्स किसके बराबर होती है, के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस द स्क्वायर के, याद रखना है कूलम्स लॉ। और जो के है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल के आती है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सेकेंडली आगे आ गए रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। और इसको आगे हम F1 बाय F2 भी लिख सकते हैं, राइट। इसको ऐसे F1 बाय F2 भी लिख सकते हैं, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। और इसी तरह से हमारा फोर्स का जो, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें कूलम्स लॉ को, तो वो फोर्स क्या बन जाती है, यही फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा क्या है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट, इनटू R21। अगर यहाँ पे R12 है तो R21, और अगर इसी में से कोई इसकी, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यही रहेगा, अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है, कूलम के ऐसा यूनिट है, स्टैट कूलम का सीजीएस यूनिट है। तो एक कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है, 3×10⁹। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस को, इटा से और रो से वॉल्यूम को। तो इसका ध्यान रखिए, क्यू बाई एल है, क्यू बाई ए है, क्यू बाई वी है। आपको याद हो जाएगा अगर आपको सिंबल पता है, ये लीनियर है तो लेंथ ओनली, ये सरफेस है एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से। क्लियर, बहुत इजी काम है। हमने पढ़ रखा है फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, है ना, तो वहीं से मिल जाएगा एफ, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बाई क्यू। और एफ क्या होता है हमें पता ही, ऊपर पढ़ा है हमने, एफ क्या था, एफ क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू के, है ना, के कॉन्स्टेंट जो बना। तो एक क्यू यहां से कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिंगल क्यू, ये के एस एच पर। तो वहीं से यह फॉर्मूला बना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, न्यूटन कूलम तो सबको पता होगा, न्यूटन पर कूलम, जाउल पर कूलम मीटर भी होती है, क्योंकि न्यूटन की क्या होती है, जाउल पर मीटर, तो वहीं से निकला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। इससे पहले ना आप ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस देख लिए आप पहले, फिर हम वो करेंगे ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे। पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। इसी तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चार्जेस कोई, ठीक है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज, तो उसपे एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ही अगर कोई पॉइंट है उसपे देखनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, λ/4, लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, λ/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a − 1/a+l, ये पूरा क्या होगा l, तो जिस पॉइंट पे देख रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस a, तो ये क्या बचेगा a − a, तो ये टोटल ओवरऑल क्या बचेगा a+l। और सपोज यहाँ पे आपका ये चार्जेस या कुछ पड़े, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये अगर l है और यहां से यहां का डिस्टेंस a है, तो ये l हो गया और ये a हो गया, इस तरह से a+l। सिमिलरली एट अ पॉइंट ऑन लाइन परपेंडिकुलर टू वन एंड, एक एंड पे परपेंडिकुलर लाइन होगी अगर, तो क्या होगा, Ex = λ/4 πε0 1/y − 1√L² + y², और ey का क्या रहेगा, ऐसे ही λ/4 πε0 1/y L² + y². अब इसमें ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि जो x एक्सिस के अलोंग देखेंगे हम, उसमें
साइन है, दो वैल्यूज है अंदर, और जो वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो अंदर एक ही वैल्यू है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, यहां पे काफी कंफ्यूजन होती है, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिंग वैल्यू होगी उसमें क्या आएगा, बिल्कुल सिमिलर सी वैल्यू है जो हम पहले काफी पढ़ते, जो कि 1/4 pi epsilon naught, ऊपर एक्स आएगा इस बात का ध्यान रखिएगा, नीचे ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ये वैल्यू किसी और की भी है, आगे करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहां पे पूछूंगा आपसे कि ये पीछे कहां पड़ी थी, यहां पे याद रखिए रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल है कोई, ये रहा स्फेरिकल शेल आपका, इसके अंदर क्या होगी जीरो और बाहर क्या होगी जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग, अब ध्यान रखिएगा ये यहां पे क्या था, कंडक्टिंग था, अब अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यहां पे स्फेरिकल शेल था, नॉन स्फीयर है, हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो अब इसमें देखिए कि यहां पे तो हॉलो था अंदर, तो अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो ई इन जीरो हो गया था, लेकिन यहां पे नॉन कंडक्टिंग है लेकिन और सॉलिड स्फीयर है, तो अंदर भी चार्ज होगा, तो अंदर जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको और इस फॉर्मूले को देखिए, सेम है बिल्कुल, है ना, सिमिलर है, लेकिन ई इन जो यहां पे जीरो था, यहां पे जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और ई सरफेस, जो ई आउट का फॉर्मूला है वही तो ई सरफेस का फॉर्मूला है, सेम है बिल्कुल। तो आप चीजों को रिलेट करके याद करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग चार्ज लैम्डा, अगर चार्ज लैम्डा है, उसकी इनफाइनाइट लेंथ है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब फिर से क्या है, वो अंदर से तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इन तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, आउट पे क्या होगा, ये लैम्डा होगा, आप इधर लिख लीजिए, चाहे इधर की बजाय ना, इसको इधर लिखिए, लैम्डा बाय आर, 1/2 pi epsilon naught लैम्डा बाय आर। तो लैम्डा तो पता है लीनियर चार्ज, और आर उसका डिस्टेंस कितना दूर है उससे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है, इसके अलावा जो है वो है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, पीछे क्या पड़ा था, कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, अब क्या है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अगर, तो ई इन अब नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो क्या होगा, ई इन जीरो नहीं होगा, रो आर बाय 2 pi epsilon naught होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी वैल्यू सेम है, लैम्डा को यहां पर रखवाया था मैंने 1/2, बाकी वैल्यू सेम है, ई आउट की वैल्यू सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ इटा की वैल्यू क्या, इटा अगर प्लेन चार्ज पे चार्ज है जो उसकी, मतलब कि सरफेस चार्ज है जो उसकी वैल्यू, उसको हमने इटा बोल दिया, तो क्या इनफाइनाइट प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और देखो ये रही इन्फाइनाइट चार्ज शीट्स, अब इसके बाहर अगर देखेंगे तो जीरो है, इसके बीच में क्या होगी, ईटा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे डापल मूवमेंट की वैल्यू हम देखें तो क्या होगी, क्यू इनटू जो डिस्टेंस है हमारा। और सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये डायपोल है जो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डायपोल की वैल्यू है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, और इसकी वैल्यूज दो याद करनी है आपको, एक तो याद करनी है सीधा एक्सियल और इक्वेटोरियल की वैल्यू, जो 1/4 pi epsilon naught 2 px x² - ए स्केयर बाय ए स्केयर। अब इससे मिलती जुलती वैल्यू पीछे पड़ी थी जो मैंने बोल रहा था, इससे मिलती जुलती है, तो वहां पे और यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे डायपल मूवमेंट नहीं है, और यहां पे इक्वलेटरल, इक्वलेटरल में ऊपर एक्स कुछ भी नहीं आएगा, और नीचे इक्वलेटरल है वाई एक्सिस के अलोंग होगा, परपेंडिकुलर के अलोंग तो वाई आएगा, एक्सियल है एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक्स एक्सिस आएगा, और यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर एक्स वेरी ग्रेटर देन ए है तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा, एक्स वेरिएबल ग्रेटर देन ए, ये इग्नोर हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बनेगा, एक एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे वाई ग्रेटर देन ए, ये सारा खत्म हो जाएगा, और वाई की पावर 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, वाई की पावर 3, इसका ध्यान रखिएगा। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे देखिए, ये तो हमने क्या था, एक एक्सियल पॉइंट है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, अगर कोई रैंडम किसी पॉइंट पे है, ना एक्सियल है वो ना इक्वेटोरियल, कोई रैंडम पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, ई आर रेडियल पार्ट क्या कहलाएगा उसका, ये, और थीटा वाला पार्ट, इक्वेटोरियल पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। सिमिलर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगी हमारी, ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और अल्फा कौन से एंगल पे हुआ, ये टैन इनवर्स 1/2 tan थीटा। टॉर्क वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा, तो पीई साइन थीटा है तो पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दें ओवर होल सरफेस,
गॉस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई, कहती है कि ई डॉट डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो ई डॉट डी एस का हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द होल सर्फेस वो हमें रिजल्ट मिलेगा उससे, राइट। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर, वी आर क्या देगा हमें, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन अगर इन्फाइनाइट टू आर तक करेंगे हम नेगेटिव के साथ। और पोटेंशियल को निकालने का और क्या तरीका होता है, के क्यू बाय आर होता है, राइट। ऐसे पोटेंशियल को हमने पढ़ रखा है वर्क डन के फॉर्म में, ये फॉर्मूला रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये भी रहता है, एक तो ये है एक ये है, राइट। ऐसे ही पोटेंशियल में यहां से भी निकाल सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, ये पता ही हमें के है तो यही फॉर्मूला एक्चुअल में तो ये है ना। और इसके अलावा वी आउट, अगर सफेरिकल की बात करें, सफेरिकल सरफेस की बात करें तो उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, आउट पे ये, इन पे ये और सरफेस पे ये, अगर वो पुली होली चार्ज है तो। और वर्क डन में, वर्क डन जो होता है डायपोल मोमेंट की फॉर्म में वो ये रहता है, हमें इन सब के बारे में पता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लिए आप अपने पास, और रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होंगे आई होप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हिट द बेल आइकन, थैंक यू सो मच।